गांव की खूबसूरत सुबह सुबह का चांद छुपता हुआ, ये कहीं कहीं कोई तारा भी चमक रहा है और रोशनी लेके आने वाला सूरज निखरे निखरे ग्रीन ग्रीन घास पौधे हल्की सी अंधेरे वाली सुबह। बल्ब बंद करते हैं और अंधेरा हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीजे पैदा अपने चैनल पर वेलकम करती हैं, सौरभ सात्रा इसी का नाम है, खूबसूरत जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ भी हो चुका है, ब्लॉग का आगाज़ भी हो चुका है, काम का आगाज़ भी हो चुका है, ये हमारा सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह ताला कबूल करे इसका, इस चीज़ों को लगेंगे दो तीन दिन, उससे पहले आज हम जाएंगे शहर में, कुछ सामान लेना है। वो सामान जो रोज़े रख रहे हैं, बहुत गरीब है मुस्तहक हैं, ताकि वो रोज़ा खुलें, वो चीज़ें लेनी है, वो चलना है, वो मसरूफियत भी आपके साथ शेयर करते हैं। हम जा रहे हैं तौसा शरीफ, कुछ सामान लेते हैं, चीज़ें रोज़ा खुल कुशाई के लिए किसी को देना है, जैसे जो हमारे बैठे हैं बंदे काफ़ी सारे, वो रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी अजर देगा, हमें भी। सूरज बहुत तेज़ है आज, काफ़ी गर्मी है, कल भी था, आज कुछ ठंडक थी सूरज में, आज बहुत गर्मी है। ये चार पहियाँ, अब गर्मी आएगी ना, ये चार पहियों की बुनाई करते हैं, क्योंकि गर्मियों में हर कोई बाहर से होता है ना गाँव में, तो जिनके टूटे फूटे खट्टे होते हैं चार पहियाँ होती हैं, वो उनको सही करवाते हैं। ये देखें गद्दे के ऊपर इस तरह मिट्टी लादी जा रही है, ये देखिए इधर ये चल रहा है, जा रहा है, खुद ही जाएगा अपनी जगह पर। ये देखिए गर्मियों में हर जगह पर ये होगा, ये है तौसा का चौक, हम इस पर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं इस साइड पे, इधर है हाशमी चौक, यहाँ है मंडी, उसमें जैसे इतवार बाज़ार लगते हैं शहर में, और मंडियाँ भी होती हैं फल फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह, वहाँ जाके आज देखते हैं। मुल्तान की भी देखी है, इस्लामाबाद की भी देखी है, डीजी खां की भी देखी है, तौसा की आप पहली दफ़ा जा रही, मैंने मालूम किया, मुझे पता भी नहीं था कहाँ है, चल के देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये क्या है बड़े बड़े इतने माल्टे हैं, वो सभी है क्या है, मंडी वगैरह ऐसी जगह पे है ना जहाँ पर इस तरह का सिस्टम ज़रूर होता है, ख़ासकर बारिश वगैरह हो। ये शॉप स्टार्ट हो चुकी है, तो इस तरह से अगर आपने कुछ देना करना है ज़्यादा, तो इस यहाँ से चीज़ें उठाएं मंडी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत भी होती है, देने वालों को ज़्यादा ज़्यादा घरों में पहुँचती है चीज़। इधर ये सीन है इस तरह से, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, फिर हम नीचे अपना मोबाइल ऑफ़ कर देंगे, तो सामान लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, देखते हैं, करते हैं, घास वगैरह तरह, हाँ सब कुछ खाने पीने का मिलेगा। आज प्लान कर रहे हैं चीज़ का, बड़े बड़े तराजू, क्योंकि तब इधर होती भी बड़ी बड़ी बोरियाँ है ना, इसलिए नहीं, पर मैं आप चेक कर, मैं पता लग गया आवाज़ पर, मैं आप ही चेक करके चाक नहीं सौ तो चलो तू सदे हो ना। ना ना असंदा छिल छिल करोल वे ने देसी थूम ना, जब वैसे सेहत वास्ते तो अच्छा होंगे। यहाँ से सारी चीज़ें तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिए, अब हमने सीधा अपने घर जाना है। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ली हैं मैंने, अपने दरख्त बारे काफ़ी सूख रहे थे, उनके फल जो थी ना वो सही नहीं आ रहे थे, उनके लिए मैंने भी स्प्रे लिए है, बोतल ली है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह जान आ जाएगी उनमें, तो यहाँ से सीधा घर चलते हैं, काफ़ी गर्मी हो चुकी है। बस ये लस्सी वगैरह बन रही है इस तरह से, क्योंकि ये है अड्डा मार्केट इस तरह से ना, इसके बसें वैगन वगैरह, तो उन मुसाफिरों के लिए ये चीज़ें ओपन रहती हैं, वैसे तो रमज़ान शरीफ है, एहतराम है, सब कुछ है, तो मुसाफिरों के लिए ओपन है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए भी रोज़ा जायज़ सफर में ना नहीं वाली होगी, नमकीन नमकीन लस्सी, हाँ
ये हमने नमकीन लस्सी ली है, ठंडी ठंडी है, जूस उनका था, फ्रीजर चल ही नहीं रहा था, हम फलूदा वगैरह ढूंढते रहे, फलूदा भी नहीं मिला, ये हमें लस्सी जरा बहुत 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 महंगी पड़ी है, चलो पीते हैं लेते। हमारी शाजिया सही कह रहे हो, कहते भाजी 1 किलो लस्सी दही ले लेते तो पूरा घर पीता, शाम तक भी वहाँ शाजिया है ना, दही पच बजे ऐसा ना, इन्होंने धांधली की। हमारे साहब ने कहा आपके जो गिलास है ना डिस्पोजिबल, इनके हमें पैसे दे 60 रुपया, 20-20 करके, हम 3 लोग थे, उन्होंने 60 रुपया ये ले लिया हमसे, ज्यादती की है इन लोगों ने। ये चीज़ें सारी लेके आते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, जो जो रोज़ेदार हैं सब में तकसीम भी करते हैं, जो हमारे पास इधर बैठे हैं काम वाले भी सारे दिन बस। गौ की एक कॉमन बात ये है, चीज़ मुस्तहक तक पहुंचती है, क्योंकि पता होता है ये ज़रूरतमंद है, ये अफोर्ड ये चीज़ कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये कितना कर सकता है, तो वो चीज़ जो होती है ना मुस्तहक तक पहुंच जाती है, ज़रूरतमंद तक। तो कॉमन बात गौ की ये भी है, जो बहुत अच्छी और बेस्ट बात है। बहू मेरी पसंदीदा आलू।